इंदौर में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी तक शहर में संक्रमितों के आंकड़े 1370 पार और वायरस की चपेट में आने से मौतों की संख्या 63 हो गई है। कोरोना के साथ ही इंदौर पर एक और खतरा मंडरा रहा है और वह है सोमेटिक डिसऑर्डर का खतरा। कोरोना से ज़्यादा यहाँ हर दूसरा व्यक्ति सोमेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। सभी को यह लग रहा है कि उन्हें कोरोना हो गया है। सामान्य बीमारी को भी अब लोग कोरोना के लक्षणों से लिंक कर रहे हैं। अपने आप को कोरोना का मरीज समझ रहे ऐसे लोग न तो अपनी नींद पूरी कर पा रहे हैं और न ही किसी बात को किसी और से शेयर कर पा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी ऐसे मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सामान्य सर्दी, जुकाम, सीने में दर्द, सिर दर्द या खांसी होने पर लोग डर रहे हैं। कई लोग डर के कारण हेल्पलाइन नंबर्स या डॉक्टरों को फ़ोन करके कोरोना की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इस बारे में मनोचिकित्सकों का कहना है कि यह कोरोना नहीं है बल्कि एक प्रकार का सोमेटिक डिसऑर्डर है। यह एक मानसिक बीमारी है। अभी यह शहर के हर दूसरे व्यक्ति को है। ये बीमारी को बार बार ऐसे बीमारी के बारे में सोचने के बाद लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दर्द या अन्य कोई शिकायत होती है तो वे उसे कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हर साल गर्मी में सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ते हैं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। बुखार, सर्दी जुकाम होने के कारण लोग घबरा कर इंटरनेट पर कोरोना के लक्षण देखने लग जाते हैं। उनके बारे में पढ़ना, सर्च करने के कारण एक दिमागी बीमारी साइबर कोंड्रिया भी हावी हो जा रही है। इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। इसके लिए हल्का व्यायाम, ध्यान, योग करना या किताबें पढ़ना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है।